आप सब निकिता के किचन में स्वागत है दोस्तों आप सबका। आइए देखिए आज मैं क्या लेकर बनाऊंगी आपके लिए, चलते हैं मेरे किचन में। तो देखिए दोस्तों आज मैं आपके लिए ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली हूँ, चीज वाला। वो कैसे मैं बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, चलिए देखते हैं इसके लिए मैं क्या क्या तैयारी करूंगी। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड को मैंने कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरीके से। एक ब्रेड के मैंने चार पीस कर लिए हैं इस तरीके से, इसको मैं रख लिया है, तीन से चार ब्रेड है ये। और ये बेसन लिया है दोस्तों मैंने, तीन बड़े चम्मच बेसन है। और ये आलू है जिसको मैंने, दो बड़े आलू है जिसको मैंने अच्छी तरह से मैश करके रख लिया है। इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है दोस्तों, मैं आपके सामने डालूंगी वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आलू जो है हम, और ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चाहे तो आप घिस के भी डाल सकते हैं, ये स्लाइस वाला है तो मैं स्लाइस वाला यूज करूंगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसका जो आलू है इसमें भरेंगे वो हम इसमें रेडी कर लेते हैं। तो ये आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैश कर लूंगी मैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ नमक स्वाद अनुसार दोस्तों, लाल मिर्च डालने वाली हूँ, आप चाहे तो हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं वो आपकी इच्छा है। और इसमें ये चिली फ्लेक्स है वो थोड़ा सा डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका। और ये थोड़ा सा ऑरिगैनो है ये भी डालूंगी। इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया अच्छे से, और इसको मैं अच्छे से आलू को मसाले में अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी, चम्मच से नहीं मैं हाथ से दोस्तों मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे सारे मसाले से। और मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है, देखिए दोस्तों ये आलू है वो मैंने अच्छे से मिक्स करके सब रेडी कर लिया है मसाला। अब हमें इसमें बेसन जो है वो रेडी करना है हमें, तो बेसन भी रेडी कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी, छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच मैंने हींग डाल दिया है। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक डालूंगी और इसमें लाल मिर्च डालूंगी छोटा एक चम्मच, और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। और इसको अच्छे से मैं मिक्स करते हुए इसमें अच्छे से बैटर तैयार कर लूँगी। देखिए दोस्तों बेसन का मैंने बैटर तैयार कर लिया था और अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको, ये मैं एक प्लेट ले लूँगी और इसमें ब्रेड की दो स्लाइस लूँगी, और इसमें इसके अंदर मैं पहले सबसे पहले आलू की स्टफिंग भरूँगी, इस तरीके से भर लूँगी ये देखिए। और यहाँ पर मैंने दोस्तों तेल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, रिफाइंड ऑयल रख दिया था तेल गर्म होने के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डालेंगे और इसके बाद हम इसको, इस ब्रेड को इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों। और इसके बाद इसमें हमें बेसन में इसको डिप करना है और डिप करके इसको इसमें फ्राई करना है, ये देखिए इस तरीके से बैटर देख सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं है, बैटर गाढ़ा है। तो इस तरीके से हमने इसको डिप करके इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। तो ऐसे ही हम बाकी जो हमारे जो ब्रेड है उसको भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। देखिए ये मेरे चीज़ वाला ब्रेड पकौड़े रेडी हो चुके हैं दोस्तों, तो जिस तरह से करके बाकी जो मैंने रखे हैं इसको भी मैं इसी तरह से फ्राई करके कर लूँगी। देखिए दोस्तों ये चीज़ ब्रेड पकौड़े मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सारे मैं बना के रेडी कर चुकी हूँ। और इसके साथ मैंने टमाटर सॉस लिया है, आप चाहे तो कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। देखिए और ये मेरे आलू बच गए थे दोस्तों, तो मैंने इसको भी बेसन में लपेट के इसको भी बना लिया है, बिल्कुल ऐसे ही भी खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए दोस्तों मेरे ब्रेड पकौड़े जो है बिल्कुल मुलायम बने हैं, देखिए मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये दबाने से बिल्कुल दब रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट बने। और इसमें चीज़ डाला है दोस्तों, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपके मुँह में चीज़ भी आएगा, तो वो जो आपका टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा आने वाला है दोस्तों। तो ये आप घर पे ज़रूर बनाइए, आपको घर पे गेस्ट आए तो
चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं बना के, बच्चों को भी सुबह नाश्ते में दे सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो एक बार आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों ये रेसिपी मेरे आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।